अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रहा हमारा स्कूल, जिसे आज हम छोड़ के जा रहे हैं। और ये है मुनीर, जो सामान के साथ तैयार है। हम जा रहे हैं बैंकॉक, फातिमा खोनकिन से आ जाएगी और हम यहाँ से जा रहे हैं। और ये जो छुट्टियाँ हैं न्यू ईयर तक, ये हम फातिमा के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं वैन का, यहाँ से वैन आएगी। टिकट हमने ऑलरेडी बुक कर दी हैं और वहाँ से हम जाएंगे लोपुरी। हमने फातिमा के साथ टाइम नहीं गुजारना, फातिमा हमारे साथ टाइम गुजारेगी। हाँ, फातिमा हमारे साथ टाइम गुजारेगी क्योंकि हम तो टाइम आपस में भी गुजार सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और व्यू देखें आप, कितना ये अच्छा व्यू है। मैंने बताया था कि इस जगह के बारे में मुझे सिर्फ व्यू अच्छा लगता है। ये देखें पहाड़। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सफर करने के बाद हम लोपबुरी बस स्टेशन पहुंच गए हैं और अब यहां से हम बैंकॉक के लिए दोबारा वैन लेंगे। वैसे तो हम डायरेक्ट भी बैंकॉक जा सकते थे, लेकिन लोपबुरी में हमें कुछ काम था तो इसीलिए हम पहले लोपबुरी आए और अब यहां से दोबारा बैंकॉक के लिए बैठेंगे। तो बैंकॉक हम पहुंच चुके हैं। 2 से 2.5 घंटे वैन में हमने सफर किया और अब ये जो सामने रिक्शा खड़ा है, थाईलैंड में रिक्शे को टुक टुक कहते हैं और ये थाईलैंड में मोस्ट फेमस सवारी है और मोस्ट एक्सपेंसिव भी है। टूरिस्ट इसको बहुत पसंद करते हैं और टुक टुक के नाम की टी शर्ट्स और सुवेनियर्स, बहुत सी चीजें यहाँ से बाय करके लेके जाते हैं। तो आज हम भी टुक टुक से सफर करेंगे और देखेंगे कि टूरिस्ट इसको क्यों ज्यादा पसंद करते हैं। वरना जो लॉन्ग टर्म के लिए थाईलैंड में रहते हैं वो ग्रैब या टैक्सीज और दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं। टुक टुक इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसके एक्सपेंसिव होने की वजह भी टूरिस्ट से है कि वो जब आते हैं तो वो मुंह मांगी कीमत इनको दे के तो इस टुक टुक में सफर करते हैं क्योंकि वो इसको कल्चर का हिस्सा समझते हैं कि न्यू कल्चर आप ट्राई करें। इवन के जो थाई लोग हैं वो भी ज्यादा टुक टुक इस्तेमाल नहीं करते, वो लोकल बसेस, मिनी बसेस और टैक्सी, ग्रैब, इस तरह की चीज यूज करते हैं। और टुक टुक का जो मतलब होता है यहाँ पे, वो मैंने पूछा था थाई फ्रेंड से तो उन्होंने बताया था कि इसका मतलब है 3 पहियों वाली गाड़ी, तो इसी वजह से ये यहाँ पे फेमस है। तो पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज्यादा वो 3 पहियों वाले रिक्शे हैं और उनमें और इस टुक टुक में फर्क ये है कि इसमें आप टांगे फैला के बैठ जाएं, आप आराम से खुले होके रिलैक्स होके लेट के जा सकते हैं। ये काफी खुला और हवादार है जबकि पाकिस्तानी जो रिक्शे हैं वो काफी तंग होते हैं। तो टुक टुक का सफर भी खत्म हो गया और अब हम होटल पहुंच चुके हैं। हम वैन से उतरे थे मोशिट बीटीएस स्टेशन पे। बीटीएस स्टेशन मतलब बीटीएस ट्रेन इन थाईलैंड में इस तरह से है जैसे अब हमारी ऑरेंज लाइन बनी है। तो वहां पे हम बीटीएस स्टेशन पे उतरे थे क्योंकि वहां से होटल जो था वो 1 किलोमीटर पे था। अगर हम आगे वैन स्टेशन पे चले जाते तो फिर हमें ज्यादा दूर हो जाता। तो अब वो 1 किलोमीटर के सफर के लिए हमने टुक टुक लिया और टुक टुक को हमने पे किए 80 बात और अब हम होटल में एंटर होने लगे हैं। ये है हमारा होटल नाइस पैलेस। तो ये है जी होटल का रिसेप्शन का एरिया और मनीर जो है वो काउंटर पे पहुंच चुके हैं की कार्ड लेने के लिए क्योंकि बुकिंग हमने ऑलरेडी करवाई हुई है और कुछ पैसे ऑलरेडी पे किए हुए हैं। तो अब बाकी जो है वो पे करके तो की कार्ड ले लेंगे। 6 नाइट्स यस वी पेड कावलॉय। डिपॉजिट करवाना है। ओके 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 अंडरस्टैंड। यस वी पे कैश। कौन सा रूम नंबर है? 517। फिफ्थ फ्लोर ही हमेशा मुझे मिलता है। लेट्स गो। फातिमा को भी आई थिंक घंटा लग जाएगा। ओके गो टू दिस लाइन। तो रूम में हम आ चुके हैं। ये रूम है
मगर रूम के साथ कुछ हैंकी पैंकी लग रही है क्योंकि हमने ट्रिपलेट रूम कहा था मगर उन्होंने आई थिंक ये डबल रूम और साथ में एक बेड बाद में अटैच किया है। तो ये अभी हम चेक करते हैं कि क्या है, स्पेस नहीं है या किस मसले से ऐसा किया है। तो रूम जाके हमने चेंज करवा लिया है क्योंकि हमने तो ट्रिपलेट ही बुक किया था लेकिन यहाँ पे ये तीसरा एक साथ छोटे रूम में एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, तो इसीलिए अब मुनीर नीचे जाके चेंज करवा चुके हैं सब कुछ और हम जा रहे हैं। अब रूम चेंज हो गया, पहले रूम 517 था और अब कौन सा है 212, सो सेकंड फ्लोर पे। तो हमेशा मेरा फिफ्थ फ्लोर, हाँ तो अब जो है ना वो फ्लोर चेंज हो गया। ओके सो वी हैव टू गो 212, ये 211 और ये सामने रहा। तो जी अब ये है हमारा नया रूम, अल्लाह करेगा ये उससे कदरे बेहतर हो, बेहतर ही होगा क्योंकि डबल ट्रिपलेट में फ़र्क तो होगा। यस ये बेहतर है, हाँ जी ये रूम हमने बुक करा था। जूते अंदर नहीं जाएंगे, जूते बाहर रहेंगे, बाहर 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 जूते बाहर। थैंक यू, ओके ओके हेलो जितना क्या बात, मैं गार्ड सबको जूता बताने के लिए हूँ क्योंकि जूता नहीं अंदर लेके आना। हाँ कैसा रहा सफर? टैक्सी वाले भी कोई मान रहे थे, मतलब टैक्सी पे मतलब लोग लगने नहीं लगे। अस्सलामुअलैकुम, सलाम, गला नहीं ठीक तो ये लो ये हमारी गैदरिंग के लिए और न्यू ईयर के लिए और अब क्रिसमस भी हम चुके हैं सेलिब्रेट करते ही हैं तो इन सब के लिए देखें तो सही अंदर है। ओपनो ओपनो ओपनो, हैप्पीनेस इज मीटिंग अप विद ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम अभी। मैं इस काम में बहुत निकम्मी हूँ। हाँ ये मैंने कार्ड बनाया था, मैं तो तुम्हें पता है चैलेंज के लिए करती हूँ तो ये भी साथ साथ सीखती सीख रही हूँ। ये बहुत अच्छी है, मैं इस लिहाज से थोड़ी डाउन हो गई। लेट्स ओपन, ओपन ओपन ओपन, इतना अपना फाड़ दो, इसको फाड़ने का जो मजा है। आई एम सो डिसेंट पर्दा, आई एम नॉट काइंड, फाड़ दो फाड़ दो। इतने आराम से मैं खोल रही हूँ, हाथ थक रहे हैं। तुम बैठ के खोल, नो इश्यू। वाओ गाइस, इट्स अ ब्लैक इन कलर। यस फिर अपना के देर अपना कार्ड मैच मैच करिए। हम दोनों का एक जैसा हो गया। तो बस फातिमा के इसी गिफ्ट ओपनिंग के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हम यहाँ से आगे क्या कुछ करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता से आपको व्लॉग्स में शो होता रहेगा। तो ये मैंने फातिमा के लिए लिया था ब्लैक कलर और खुद के लिए ये वाला कलर। यस ओके बाय।